हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी हम लोग है जलकुंडेश्वर मंदिर जो भेलोर में है, वहीं पर हम लोग दर्शन के लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो टाइम वेस्ट करके। गैस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा गैस, बहुत ही अच्छा वीडियो है। का वीडियो शुरू हो गया गैस। ये दिखे सामने मार्केट, ये और यहाँ पर कपड़े सब दुकान है। नीचे से बैठे हुए हैं कपड़े लेकर बेचने के लिए, शर्ट पैंट और दिखे पैंट और शर्ट भी है। और सामने यहाँ पर कुछ तो बीज, ये देखिए शर्ट गाइस कम दाम में बिक रहा सब। गाइस मार्केट में नज़ारा तो देखिए बहुत ही अनोखा, बहुत ही सुंदर है। देखिए जो हाईवे रोड नेशनल रोड, ये सर दुकान पर बैठे हुए हैं गाइस। पापा भाई आगे आ गए, हम लोग मामा और मैं पीछे पीछे जा रहे हैं। रास्ता देख देख के जा रहे, कैसे नजर है। एक बिल्डिंग बहुत ही सामने एक तो चीर बैठा, उसी को हम देखेंगे जूम करके, आपको जूम करके दिखाएंगे अभी। ये देखिए चील, ये जूम करके दिखा दिए फटे से। जैसे आपको पता है साउथ इंडिया में सबसे क्या फेमस है, गजरा, फूलों गजरा जो महिला बालों में लगाते हैं। ये देखो सब फूलों की दुकान, एक केला का दुकान आ गया, और थोड़ी जाने के बाद मिठाई का दुकान आने वाला है। दिखाई यहाँ पर भी गजरा बिक रहा, मिठाई का दुकान आ गया। यहाँ पर भी साइकिल में कुछ ना कुछ बेच रहे मिठाई का, ये भी एप्पल बनाना आ गया। गाइस हम लोग पहुँच ही गए, ये पार्क है। तो वो किला जो आपको पिछले वीडियो में बताए थे, वो किला के सामने जलकुंडेश्वर मंदिर है। वो देखिए किला सामने, पानी है तालाब, कितना गहरा मुझे पता नहीं, लोगों से पूछा कि उनको भी पता नहीं। गाइस आ गया हम लोग का जलकुंडेश्वर मंदिर। ये देखिए ना फ्रेंड्स, ये देखिए नज़ारा, जलकुंडेश्वर मंदिर आ गए हम लोग, अभी एंट्री करने वाले हैं। गाइस मंदिर का ऊंचाई तो देखिए, हाइट लंबा बहुत ही लंबा और बड़ा भी है बहुत मंदिर। अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं, तो चलिए साथ में। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, देखिए चलो चलिए गाइस। एंट्री करने के समय देखिए गेट, बाहुबली मूवी में देखा होगा ऐसा दरवाजा, देखिए बहुत ही सुंदर है। एक कांटा लगा हुआ, कम से कम 20-30 फीट ऊंचा ऐसे गेट है गाइस, बहुत ही देख के ऐसे लगा बहुत डेंजर गेट है। और अंदर जा रहे हैं अभी। गाइस हम लोग मंदिर के अंदर आ गए, और देखिए और भी अंदर मंदिर है, इसकी ऊंचाई देखिए गाइस। सामने एक तालाब है, बैठने की व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मंदिर दर्शन, भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए गाइस दोस्तों, बहुत सारे लोग मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। ओ देखिए ओ भाई, ये भी कितना ऊंचाई है, कितने सारे लोग मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं।
और मंदिर और एंट्री करने के बाद और भी लोग दिखेंगे गाइस। गाइस मजदूर का कलाकारी तो देखिए सिर्फ पत्थर से ही बना गया है, और देखिए वो यहाँ पर पूरा नज़ारा पूरा मंदिर पत्थर से बना हुआ है। ओ माय गॉड, और अंदर जाना है जाएंगे अभी। गाइस सभी पिलर में सभी पिलर पत्थर, देखिए फ्रेंड्स पत्थर को काट काट कर कर बनाया गया है, तो मूर्ति बहुत ही सुंदर दिख रहा है। देखिए छत भी पत्थर का है, पूरा सभी पिलर पत्थर का बनाया गया है, और लोग वहाँ पर भी जा रहे ऊपर। ये तो बहुत पुराना इंग्रेज के जमाने का मंदिर है गाइस, तो आपको गाइस देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे लोग मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। ये देखिए गाइस बहुत सारे लोग जो मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। गाइस आ गया हम लोग का छोटा सा गणेश जी का मूर्ति का मंदिर, और यहाँ पर है और अभी मंदिर कौन सा है गाइस, यहाँ पर श्री बालाजी का मंदिर है छोटा सा, और आगे जाने से देखिए बालाजी लिखा है श्री, यहाँ पर जाने से गणेश जी का भाई कार्तिक जी का, यहाँ पर कार्तिक जी का मंदिर है छोटा सा। देखिए गाइस कितने सारे लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे लोग गाइस अंदर भगवान जी को दूध चढ़ा जाता तो यहाँ पर आकर गिरता है। गाइस देखिए कितना बड़ा ये, देखिए गाइस यहाँ पर एक कुआं है, यहाँ कुआं में सिक्का गिराया जाता है, जो भी 20 करोड़ ये मिल जाएगा गाइस सिक्का गिराने से। देख गाइस सकते हैं बहुत सारे कितने सारे पैसे रुपया सिक्का गिरा हुआ है, जो भी मांगे वो मिल जाएगा। ये देखिए गाइस यहाँ पर शिवलिंग यहाँ पर अर्पित है, यहाँ पर पानी यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड हमारे नंदी जी के कानों में जो भी बोलोगे शिव जब शिव जी तक पहुँच जाएगा, तो हम भी अभी बोलेंगे। ये देखिए गाइस लोग अभी नंदी जी के कानों में कुछ न कुछ बोलेंगे शिव जी से मांगने के लिए। ये देखिए गाइस लोग बोल रहे हैं कानों में शिव जी कुछ कुछ न मांगेंगे। बहुत सारे दर्शनु दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। फूलों का बगीचा गाइस, देखिए गाइस लोगों को बैठने का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है गाइस, बहुत ही सुंदर अद्भुत। ये देखिए गाइस और यहाँ पर पिलर है जो काट काट कर बनाया गया है, और अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर काट काट कर बनाया गया, सिर्फ पत्थर से बनाया गया है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखिए गाइस की मूर्ति बनाया गया है सिर्फ काट करके, हथौड़ा छेनी सब बहुत ही पुराना वो इंग्रेज का जमाना गाइस। फूलों का बगीचा,
ये देखिए गाइस, मेरे बाबा, मेरे मामा, मेरे भाई यहाँ पर सब बैठे हैं मंदिर दर्शन करके बाद। तो अभी हम भी और ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो चलिए इन लोग कहीं भी बैठने के देते हैं। तो चलिए गाइस, आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलिए ये देखिए गाइस, यहाँ इसके अंदर सोने का रथ है। देखिए अभी दिखाने वाले, यहाँ पर ताला मारा हुआ गाइस। ये देखिए अब सोने का रथ पूरा रथ सोने का ही है गाइस। यो देखिए वो भाई, यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है गैस। यहाँ पर ताला मारा हुआ इसीलिए ना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर छेदा है, तो यहीं से आप लोग को दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इससे पूरा रथ सोने का है। ताला ये गैस दिखे, ताला मारा हुआ है क्योंकि कोई चोरी ले गया, तो इसीलिए ताला मारा हुआ है। इसके अंदर सोने का रथ है। मेरे पापा सोने का रथ देखने के लिए गए हैं। ये देखिए मेरे मामा यहाँ पर बैठे हुए हैं। मामा थक गए क्या? थक गया। अब थक गए? थक गया। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मछली है। ये तालाब है जो यहाँ से लोगों से पता चला कि यहाँ पर भगवान सुबह सुबह उठ के नहाने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मछली भी है। यहाँ पर पाइप और रस्सी बंधा हुआ है। यहाँ पर नीचे लगता है मोटर है। कितना गहरा है वो तो बताया नहीं। और सामने फूलों का बगीचा, अभी भी लोग आ रहे गाइस। देखिए मछली कहाँ गया गाइस। देखिए मछली को खाने के लिए दिया गया है। मैं यहाँ पर जो प्रसाद मिलते हैं वहीं से थोड़ा सा दर्शालु लोग यहाँ पर दर्शन करने आते लोग वहीं देते हैं मछली को खाना। देखिए गाइस, कितने अच्छे फूलों के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। तालाब के सामने कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल खिले हुए हैं। देखिए और भी फूलों है, फूल के पौधे यहाँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मछली है। वो देखिए मछली तैर रहा है। ये देखिए कितना मछली है। इससे यहाँ पर पानी का व्यवस्था किया गया है। जब प्रसाद खाने के बाद यहाँ पर हाथ धोना, पानी पीने के लिए सभी व्यवस्था किया गया है। यह देखिए पीने का पानी लिखा हुआ है। यहाँ पर डस्टबिन है, जो प्रसाद का खाने के बाद यहाँ पर सभी लोग प्रसाद खा रहे हैं। अभी चलिए हम लोग प्रसाद लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जलकंठेश्वर मंदिर के बारे में सब कुछ लिखा है। कितना पुराना, पूरा कितने इतिहास के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इंग्लिश, हिंदी और तमिल भाषा में जो जिस पढ़ने आता है उसी में लिखा हुआ है। यह लिखा हुआ कि बहुत महाराजा के पुराने के ज़माने का मंदिर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, से सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए फ्रेंड्स। तब तक बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।